तो क्या होता है जिस व्यक्ति सबको लेकर चलने की बात करते हैं उनके बाद बता दीजिए, चैलेंज में कर रहा हूँ किसी, ये लग सकता है कह सकता है कि फलाने समाज की पर काम करते हैं, फलाने जात की बात करते हैं काम करते हैं, बता दीजिए हम मेरा नहीं छोड़ूंगा। मैं बराबर कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अव्वल नेता सिंगल नेता है जो पूरे बिहार को अपना परिवार, पूरे समाज को अपना परिवार समझते हैं। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं फलाने जाति की बात करता हूँ, फलाने पार्टी की बात करता हूँ, हम लोग सबकी बात करते हैं, मेरी सरकार सबकी बात करती है, सबके लिए हमेशा परेशान रहते हैं, विकास की बात करते हैं। मैं इस बात से एक बात नोट करिए, मैं चैलेंज करूंगा, देश के अंदर सिंगल नेता है जिन्होंने परिवारवाद नहीं किया, अगर परिवारवाद समझा पूरे बिहार को समझा। मुसलमान अब लालू यादव को वोट नहीं करेंगे, लालू यादव को मुसलमान वोट नहीं करेंगे, समझ गया उनको क्या वोट करेगा। आप अब न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 25 में जिन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया उनके साथ छलावा किया गया, लेकिन अब इस बार होगा ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमान जो अल्पसंख्यक आबादी है वो जरूर वोट करेगी। कल के प्रकरण के बारे में उन्होंने कहा कि जिनको जहां जाना है वो जा सकते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है और वो हमेशा किसी भी जात या मजहब की बात नहीं करके बल्कि सिर्फ विकास की बात करते हैं। और सीधा सीधा उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के लोगों ने मुसलमानों को ठगा है। अब 2024 और 25 का जो चुनाव विधानसभा और लोकसभा का होना है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुसलमान भरोसा करेंगे और 70-80% मुसलमान वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बजट मुसलमानों का पहले कैसा था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना बढ़ा दिया है। इस तरह के इशू को लेकर के कई ऐसी योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कराया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके हितैषी है, सबके लिए काम करते हैं और अल्पसंख्यक समाज ने जिन पर भरोसा किया उन लोगों ने सियासी तौर पर उन्हें बेवकूफ बनाया, ठगा है। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ रहे और ये भी दावा किया उन्होंने कि अगले चुनाव में 70-80% मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जवाब खान आप? मुंशी मिलकर कौन है रहनुमा को माने मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी हैं, बाकी जिसको जहां जाना है उसके लोगों को रोक नहीं सकता है, उनकी मर्जी की बात है जो भी लोग आए। लेकिन ये आप भी जानते हैं, सब जितने भी लोग हैं आप जरा कुछ कोई नहीं जानता है, जितना आप लोगों ने देखा है बिहार को, जिसे हम भी देखे हैं, जो हम सबको नौजवान हैं, इससे पहले हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज लोग हैं उनसे आप पूछिएगा, हम बताएगा बिहार के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री सबकी बात करते हैं, सबकी काम करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था जो सीट मिला एक भी चुनाव लोग नहीं जीत पाया, हमारे समाज लोगों ने नहीं जीत पाया, उसके बावजूद जो उन्होंने काम किया है कोई नहीं किया है। अभी कल के आप जानते ही होंगे, कल जो आवासीय विद्यालय हर जिले के अंदर बनना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, उनकी सोच है कि हर अल्पसंख्यक समाज का जो भी कमजोर तबका है वो पढ़े लिखे शिक्षित बने, एजुकेशन प्राप्त करे, वो आगे बढ़े। थोड़ा देर हो रहा है, वक्फ बोर्ड का जमीन का मामला था, थोड़ा देर हो रहा है, उसके बावजूद कल आपने देखा मैंने फैसला लिया, जहाँ बहुल क्षेत्र मुसलमान का अल्पसंख्यक कहाँ माइनॉरिटी कहाँ वहाँ मैं किराए पर लेकर मैं इसको चलवाने जा रहा हूँ, ये उनका निर्देश उनका सोच है, कहने की बात नहीं। लेकिन मंत्री जी कल जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं जो चारों विधायक है उन्होंने सेफ फील किया तभी तो राजद मिले। ये नहीं बताइए, व्यक्ति उनका मामला है, बात समझिए, एक आदमी मैं ही कहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे कहीं सब कुछ हो जाएगा, उनका एक व्यक्तिगत मामला है, क्या मामला था क्यों गए वो जानते हैं। मैं इतना कहूंगा ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार 24 का चुनाव बता देगा महाराज के प्रकरण से क्या कहेंगे आप वहाँ पे जो है वो जानते हैं। मैं इतना कहूंगा ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार 24 का चुनाव बता देगा महाराज के प्रकरण से क्या कहेंगे आप वहाँ पे जो है लगभग तय है कि सरकार बनी तय हो गई। ठीक है, देखिए वहाँ का सोच, जनता का सोच हमने देखा है, उद्धव जी सीएम बने, क्या वजह पड़ा, क्या खींचतान हुआ वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, उस पर क्या बोलेंगे। मैं यहाँ पर बिहार का मामला है, मेरे भी समाज के लोग समझते हैं कहाँ से विकास हो रहा है। आज जो बिहार के अंदर दिखाई दे रही है किसी भी समाज का, सबकी समाज की बात कर रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री का देन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सच्चा काम करने वाला कोई अगर है इस देश के अंदर, मुस्लिम समाज का, दलित का, अल्पसंख्यक का, करीब कमजोर वर्ग का, किसी भी समाज से संबंधित हो, उसकी सिंगल नेता है माननीय मुख्यमंत्री, दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कहती है, मैं बार बार कहता हूँ। बाकी जिसको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसकी अपनी एक सोच है, थोड़ी देर के लिए आदमी नहीं सोच पाता, अपने होता कोई भी हो स्वार्थ में या अपने जो भी देख कर अपने हिसाब से जाता है, लेकिन अगर समाज के बारे में सोचिएगा, बिहार के बारे में सोचिएगा, पूरे बिहार के हर समाज के बारे में सोचिएगा, तो अव्वल नेता सिंगल नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सबको लेकर चलने की बात करते हैं। मुसलमान वोट करेंगे 24 और 25 में, एकदम 24 में 70-80% करेंगे। दावा ठोक रहे हैं मुस्लिम समुदाय पे, दावा उनको कोई नहीं जानता है, आज दावा ठोक रहे हैं, ऐसा भी विरासत पे आए हैं, इससे पहले भी उनके परिवार के लोग थे, पिताजी थे, उन बिहार में मुसलमान ने क्या कर दिया, कौन सी व्यवस्था कर दी, आपको मालूम होगा उस समय बजट मात्र 3 करोड़ 45 लाख था,
आज 1700 करोड़ चला गया बजट। उनका कहना है कि हम लोग को मजबूत करने के लिए जाए, तो क्या नीतीश जी से नहीं? अब बताइए, अभी आप खुद सोचिए ना, जो आदमी का बस अपने स्वार्थ में जल्दबाजी में जल्द से वो सीट मिल जाए, फिर बिहार के साथ जो पहले हो रहा था वही हो, इसमें परेशान है। इससे बड़ा क्या होता है, जिस व्यक्ति सबको लेकर चलने की बात करते हैं उनके बाद बता दीजिए, चैलेंज में कर रहा हूँ किसी, ये लग सकता है कह सकता है कि फलाने समाज की बात काम करते हैं, फलाने जात की बात करते हैं काम करते हैं, बता दीजिए, हम मेरा नहीं छोड़ दूंगा। मैं बराबर कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर